के एलुमिनी आदरणीय बच्चे के लिए, तो आज के मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर जिग्यार इनामदार जी का जो आज के सत्र कैरियर ऑप्शंस इन पब्लिक लीडरशिप का जो सत्र लेने वाले हैं उनका मैं परिचय कराता हूँ। बेसिकली जो सर का अध्ययन है बीकॉम एलएलबी एवं लोक प्रशासन में पीएचडी है सर का। सर अभी सीनेट एंड सिंडिकेट मेंबर एमएसयू यूनिवर्सिटी बड़ौदा में है। वे फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं आईसीसीआर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रकल्प है। फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी बीजेपी यूथ गुजरात के रह चुके हैं। जिगर जी कई वर्षों से जो संघ के कई प्रकल्प हैं और कह सकते हैं कि देश भर के इंटेलेक्चुअल्स की जो टीम होती है, जो पॉलिसी लेवल पॉलिसी मेकिंग की जो टीम होती है उसके प्रमुख हिस्सा रहे हैं। ना सिर्फ हिस्सा रहे हैं साथ ही साथ कई संगठनों से जुड़ के कई संगठनों के मार्गदर्शक रह के समय समय पे युवाओं का मार्गदर्शन भी करते हैं लीडरशिप पे हो सके या तो पॉलिसी लेवल पे। तो ऐसे कई संगठन है जैसे इंडिया फाउंडेशन, गुजरात थिंकर्स फोरम, समन्वय प्रतिष्ठान, ऐसे युवाओं ऐसे संगठनों के माध्यम से समय समय पर विभिन्न कार्यशाला आयोजित कर युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। जिगर जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन का गुजराती एवं एमएसयू की प्रशासनिक प्रशिक्षण पुस्तक माइनर हिंट का हिंदी अनुवाद किया। साथ ही सावरकर एक और अखंडता के साधक का संपादन भी किया। अंततः जितना मुझे थोड़ा जिगर जी के बारे में नॉलेज है उसके बारे में दो लाइन बताऊं कि जिगर जी का एक जो स्वभाव है, जैसे इसके पहले का जो सेशन था कि कार्यकर्ता कैसे होना चाहिए, कार्यकर्ता के कुछ गुण क्या होने चाहिए, तो वो कई सारे गुण मैं आदरणीय जिगर जी में देखता हूँ। तो आज के सत्र के लिए मैं आदरणीय जिगर जी को आमंत्रित करता हूँ। दिशा फाउंडेशन के उपलक्ष्य में आदरणीय दिनेश जी जो न सिर्फ मेरे लिए पर मेरे जैसे कई युवाओं के लिए एक श्रद्धा का स्थान है, उनके मार्गदर्शन में ये 3 दिवसीय नेतृत्व की कार्यशाला है। यानी यहाँ पे जो शब्द लिखा है पब्लिक लीडरशिप कैंप, इस पब्लिक लीडरशिप कैंप में सहभागी हो रहे आप सभी लीडर्स, मेरा परिचय कराने के लिए जो उपस्थित थे ऐसे मेरे मित्र छोटे भाई रोहित तिवारी जी, मेरे पीएचडी के साथी और मेरे सूरत में जिनको मैं मित्र कह सकूं, जो शुरुआती दिनों में सूरत में ऐसे कोई मित्र हुआ नहीं करते थे, सूरत कभी आया ही नहीं था। सूरत आने की शुरुआत व्यक्तिगत कारणों से पीएचडी में हुई, तब से मेरे मित्र ऐसे कल्पेश भाई। आप सब यहाँ पर 3 दिवसीय लीडरशिप कैंप पब्लिक लीडरशिप कैंप में उपस्थित हैं और जो विषय मुझे सौंपा गया है ये विषय है कैरियर ऑप्शंस इन पब्लिक लीडरशिप। इस विषय पे बात करने के लिए जब मुझे कहा गया मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, यानी जो जीवन में देखा है, जो जीवन में समझा है, जो जीवन में सीखा है वही आप सबसे शेयर करना है। प्रमोद महाजन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में उनका निधन हुआ था। रामभाव भाड़के प्रबोधिनी मुंबई में जो है वहां पे उनका एक लेक्चर हुआ था, अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग था, उसमें उन्होंने भाषण कला इस विषय पे बात की थी और मैं उस कार्यशाला में उपस्थित था। छोटी छोटी नोट्स बना रहा था वहां पे, मैं गया था रामभाव भाड़के प्रबोधिनी विजिट करने के लिए। उस समय हमारे संघ के हमारे विभाग प्रचारक जी थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मुंबई कभी जाओ रामभाव भाड़के प्रबोधिनी देखना। मैं रामभाव भाड़के प्रबोधिनी देखने गया, वहां पे लेक्चर चल रहा था, मैंने अनुमति मांगी
मोर्चा का सदस्य रहेगा, कार्यकर्ता रहेगा, फिर भी मुझे अनुमति दी गई, गया और बैठा। उसमें जो कुछ मैं सीखा था उसमें से एक सूचन का, एक सजेशन का मैं आज इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। उस समय कहा गया था कि जब भी आप पब्लिक में कोई भाषण करते हैं उस समय आप चीट या चिट्ठी हाथ में लेके भाषण ना करें, मोबाइल में देख के भाषण ना करें, पर जब आप किसी अभ्यास वर्ग में जा रहे हैं तो आपको आपकी स्मरण शक्ति में कितना भी भरोसा हो फिर भी नोट्स बना के जाना चाहिए, नोट्स को सामने रखना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस आपके सामने आज आपको मिला है वो शायद दूसरे स्वरूप में नहीं मिलेगा। ये ऑडियंस किसी और को सुनेगा, आप किसी और के सामने बात करेंगे, पर आप इसी ऑडियंस के सामने फिर बात नहीं करने वाले हैं, इसलिए कोई भी विषय छूट न जाए, इसीलिए आपको पॉइंट जो है वो बना के रखने चाहिए और वो पॉइंट्स पे सबके साथ बात करनी चाहिए। कई बार होता ये है कि जब हम बात करना शुरू करते हैं और पॉइंट भूल जाते हैं फिर हमें पेड़ के नीचे भैंस बांधनी पड़ती है। तो ये पेड़ के नीचे भैंस बांधना, ये उत्तर भारत में एक बहुत ही पॉपुलर मुहावरा है, बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है। हमारे वहां प्रोफेसर योगेश सिंह वाइस चांसलर हुआ करते थे, आज वो सूरत में है और वो यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के चीफ गेस्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी वो वीसी है। वो ऐसा कहते थे कि जब कभी भी आप कहीं पे बोलने के लिए जाते हैं और आपने तैयारी कुछ और की और आपको विषय कुछ और दे दिया जाए, या आपने तैयारी कुछ और की और वहां जाके आप भूल गए, तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो एक छोटे बच्चे की कहानी बताया करते थे। एक छोटा बच्चा था, उसने स्कूल में, उसकी एग्जाम होने वाली थी, उसने पेड़ के ऊपर एक बहुत अच्छा निबंध तैयार किया और उसको पेड़ के ऊपर जाके लिखना था। अब जाके परीक्षा में उसको पूछा गया भैंस के ऊपर। अब भैंस के ऊपर तो कुछ तैयारी हुई नहीं थी, तो उसने लिखा कि भैंस एक बड़ा सा जानवर होता है, काले रंग का होता है, भैंस में बहुत ताकत होती है, भैंस दूध देती है, बस यहाँ तक का मालूम था। भैंस को पेड़ के नीचे बांधा जाता है और फिर पेड़ के ऊपर पूरा निबंध उसने लिख दिया। तो मुझे पेड़ के नीचे भैंस ना बांधनी पड़े, इसीलिए मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए और मैं उसी पॉइंट्स के आधार पे आप सबसे बात करने का प्रयास करूंगा। लीडरशिप, कैरियर ऑप्शंस इन पब्लिक लीडरशिप, पब्लिक हम सब जानते हैं कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करनी है। लीडरशिप एक ऐसा विषय है जिसकी जितने व्यक्ति उतनी व्याख्या हो सकती है। मेरी व्याख्या अलग हो सकती है, आपकी व्याख्या अलग हो सकती है, हर किसी की व्याख्या अलग हो सकती है। पुराने जमाने की एक बात है, एक राजा और राजा के मंत्री, इन दोनों के बीच में चर्चा हो रही थी सत्य के बारे में कि सत्य क्या है। बात यह चली कि सत्य की हर एक व्यक्ति की व्याख्या होती है। राजा ने कहा कि प्रूव करके दिखाओ। मंत्री ने हाथी मंगवाया, चार जो जन्म से प्रज्ञा चक्षु थे, जो जन्म से देख नहीं पाते थे, ऐसे चार सज्जनों को बुलाया गया। ये चार सज्जनों को हाथी के आसपास में छोड़ दिया गया और उनको कहा गया कि आपके सामने हाथी खड़ा है, अब बताइए हाथी कैसा है। और वो तो स्पर्श की भाषा जानते हैं। जिसके हाथ में हाथी की पूंछ आई उसने बोला हाथी रस्सी के जैसा है, जिसके हाथ में हाथी का पैर आया उसने बोला हाथी खंभे जैसा है, जिसके हाथ में हाथी का पेट आया उसने बोला हाथी नगाड़े जैसा है, जिसके हाथ में हाथी का कान आया उसने बोला हाथी सूपड़े जैसा है। अब हाथी सिर्फ नगाड़ा नहीं था, सिर्फ सूपड़ा नहीं था, सिर्फ रस्सी नहीं थी, सिर्फ खंभा नहीं था, मींस हाथी ये पेट, पैर, सूंड इतना मात्र नहीं था, हाथी इन सबका समन्वय था। तो लीडरशिप का भी यही होता है। लीडरशिप की व्याख्या हर एक की अलग अलग हो, पर ये सभी विचारों को मिला के जो स्वरूप हमारे सामने आता है उसको हम लीडरशिप कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से पब्लिक लीडरशिप की जब बात करनी हो तो मेरी पब्लिक लीडरशिप की व्याख्या ये है कि कोई एक व्यक्ति अगर समाज को या समाज के बहुत बड़े हिस्से को किसी अच्छे काम के लिए इंस्पायर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, ये पब्लिक लीडरशिप। मैंने जिनके नाम से आज के विषय की शुरुआत की, यानी वो नहीं होते तो शायद उनके बारे में कुछ और ज्यादा मैं बोल पाता, वो है इसलिए ऊपर, ये उनका स्वभाव नहीं है कि उनके बारे में वो अच्छी बातें ज्यादा सुने, पर दिनेश जी दिशा फाउंडेशन की विविध प्रवृत्तियों के माध्यम से आपके सामने, हम सबके सामने जो स्वरूप रख रहे हैं ये पब्लिक लीडरशिप का स्वरूप है। हमारे दिमाग में पब्लिक लीडरशिप यानी क्या, पब्लिक लीडरशिप यानी पॉलिटिक्स, पब्लिक लीडरशिप यानी कॉर्पोरेटर, विधायक, सांसद,
मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हमने पब्लिक लीडरशिप की व्याख्या को चुनाव के साथ सीमित कर दिया है। पॉलिटिकल बैजेस, पॉलिटिकल लेबल्स, उसके साथ हमने इसको सीमित कर दिया है। मेरी दृष्टि से पब्लिक लीडरशिप ये पॉलिटिकल लीडरशिप से कहीं आगे है। पॉलिटिकल लीडरशिप तक इस व्याख्या को सीमित करना ये पब्लिक लीडरशिप शब्द का अपमान है, और इसीलिए पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में मैं सबसे अंत में बात करना चाहता हूं। उस पर बात थोड़ी ज्यादा होगी, पर अंत में इसकी बात करना चाहता हूं, क्योंकि पब्लिक लीडरशिप का सबसे कनिष्ठ अगर कोई घटक हो सकता है तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप है। उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द कैरियर ऑप्शंस फॉर पब्लिक लीडरशिप, इन पब्लिक लीडरशिप? हम कई एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमेशा चिंता करते हैं, तो कॉर्पोरेट लीडरशिप ये भी एक पब्लिक लीडरशिप है। पब्लिक लीडरशिप के माध्यम से कॉर्पोरेट पब्लिक लीडरशिप में पब्लिक कॉर्पोरेट लीडरशिप के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों के लिए रोजगारी का सृजन कर सकते हैं। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से हम बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं जो चीजें समाज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है। इसी प्रकार से आज प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। कल सूरत में और वडोदरा में, वडोदरा के बाजू में जो सोपला है, सोपला में से जो दो पंथ अलग हुए, इन दोनों पंथों का आत्मीय युवा महोत्सव, ये एक अलग प्रकार की रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडरशिप है, ये भी एक पब्लिक लीडरशिप है। शायद पॉलिटिशियंस, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को जितना इंस्पायर नहीं कर सकते, उतना ज्यादा इंस्पिरेशन रिलीजियस लीडरशिप में या स्पिरिचुअल लीडरशिप में मिलता है। श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से, या जैसे भी जितने भी इस क्षेत्र के वरिष्ठ लोग हैं, प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में और अपने जीवन के बाद भी इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया है। वंश स्वामी महाराज ने इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया है। कल वडोदरा में हमारा जो वज्रनाम मंदिर है, उस वज्रनाम मंदिर में नहीं खाऊंगा, आज के बाद में नॉनवेज नहीं खाऊंगा, आज के बाद में दारू का सेवन नहीं करूंगा, ऐसे कई जीवन की बदिया थी, वो बदिया उस धार्मिक लीडर के पैरों में संकल्प के रूप में लोग रखते थे। भारत ये धर्म आधारित राष्ट्र है। धर्म यानी मंदिर में जाके भगवान की पूजा करना, ये धर्म नहीं है। भारत में धर्म यानी संस्कृति है, और जो संस्कृति के वाहक है ये संत रहे हैं, महंत रहे हैं, धर्म गुरु रहे हैं, और कुछ धर्म गुरु की कुछ गलतियों के कारण हर धर्म गुरु गलत नहीं हो जाते। यही धर्म गुरु थे जिन्होंने संस्कृति को संजोए रखा है, यही धर्मगुरु थे जिन्होंने संस्कृति का संरक्षण किया, यही धर्मगुरु थे जिन्होंने संस्कृति को संवर्धित किया, और ये एक स्पिरिचुअल लीडरशिप है, ये एक रिलीजियस लीडरशिप हो सकती है। इसके अलावा सोशल लीडरशिप हो सकती है, जिसका उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये कार्यक्रम करने के लिए यहाँ की टीम को कोई राजनैतिक आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ी, इस कार्यक्रम को करने के लिए यहाँ की टीम को कोई पॉलिटिकल स्टैंपिंग की जरूरत नहीं पड़ी है कि चलो ये मेरी पार्टी के लिए काम हो जाएगा, कुछ नहीं। यहाँ बैठे हुए कई सारे व्यक्ति, मुझे भी नहीं पता, इनको भी पता नहीं होगा कि आप कौन सी राजनीतिक विचारधारा में आप विश्वास रखते हैं। आप कोई भी राजनीतिक विचारधारा में विश्वास रख सकते हैं, पर आप इस भारत भूमि के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, यही पूर्व भूमिका, यही प्री कंडीशन यहाँ पे रही होगी। और एक सोशल लीडरशिप के माध्यम से पब्लिक लीडरशिप के संदर्भ में आपको एक अलग प्रकार का मार्गदर्शन दिया जा रहा है। हम पब्लिक लीडरशिप में पॉलिटिक्स के आधार पे कब तक आधारित रहेंगे? हम अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जो लोग सूरत में इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े, जो अपने शहर में जा रहे हैं, कहीं और से आए हैं, वो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने राज्य में सोशल लीडरशिप का एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट नहीं कर सकते? हम पॉलिटिक्स के ऊपर इतने आधारित हो गए हैं कि हमारे घर के बाहर अगर गटर में से पानी बाहर आ गया, उसके लिए भी विदाउट काउंसिलर, जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है, उसको फोन किए बिना हम वो काम को ठीक नहीं कर पा रहे। रास्ते में कहीं पे गड्ढा पड़ा है तो भी कॉर्पोरेशन जब तक आपको भरेगा नहीं, चार लोग गिरेंगे, पैर तोड़ेंगे, तब तक वो ठीक नहीं होगा। क्या समाज के चार लोग कम से कम टेम्पररी उसमें मिट्टी डाल के उसको ठीक नहीं कर सकते? क्यों ऐसा है कि जब तक कोई कॉर्पोरेटर ना आए, जब तक कोई विधायक ना आए, जब तक किसी सांसद का फोन ना आए, तब तक ये काम क्यों नहीं हो सकता?
और कई सारी चीजें ऐसी है जो चीजों के लिए किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं। सोशल लीडरशिप एक ऐसा एग्जांपल है जो चिरंजीव है। पॉलिटिक्स में व्यक्ति की टांग जो होती है वो मर्यादित होती है, टेम्पररी होती है। कोई मुख्यमंत्री बने वो कब तक मुख्यमंत्री है वो उनको भी पता नहीं। कोई प्रधानमंत्री है, भगवान हमारे प्रधानमंत्री जी को शतायु कर, पर वो कितना समय प्रधानमंत्री रह पाएंगे वो तो उनको भी पता नहीं, किसी को पता नहीं है कल सुबह क्या होने वाला है। सोशल लीडरशिप एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति ना रहे विचार रहता है। दिनेश जी आज हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, कल उनके वो कोई और काम अगर शुरू कर देते हैं और ये काम इसी विचार के साथ उनके मार्गदर्शन में तैयार हुए लोग आगे लेके जा सकते हैं। और ये और इनके जैसे जो वरिष्ठ लोग होते हैं इनका तो स्वभाव ही यही होता है। गुजराती में किसी कवि की कही गई पंक्तियां मैं गुजराती में ही रखने का प्रयास करता हूँ, मुझे आशा है कि आप समझ पाएंगे। मुट्ठी भरी ने हमें वेरा का बीज, पछी वादर जाने ने जाने भाई। एक ऐसे ही इससे सिमिलर कुछ कुछ पंक्तियां किसी कवि ने लिखी थी कि बीज थोड़ा दऊचू वेरी ज्या नजर खोड़ू छू वृक्ष थाशे के नहीं ईश्वर ऊपर छोड़ू छू। हमारे पास जो बीज होते हैं उसको ऐसे ही डाल दिया जाता है। यह बीज एक विचार बीज होता है और यह विचार बीज वृक्ष का रूप लेता है, वृक्ष का रूप लेके वो पूरे समाज का मार्गदर्शन करता है। यह सोशल लीडरशिप है। और मेरी दृष्टि से आज के समय में सबसे बड़ा अगर कोई स्कोप है तो वो सोशल लीडरशिप का स्कोप है। सोशल लीडरशिप में किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है? प्राइमरी जो होता है, बीज जो होता है वो होता है विचार। विचार की समृद्धि हमारे आसपास में ही है, उनके पास बैठिए, मार्गदर्शन लीजिए, वो एक अच्छे विचार के साथ एक काम शुरू करें। उसके बाद उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? विचार के बाद व्यक्ति, टीम। टीम हमें चुननी है। अगर हमारे विचार में दम होगा टीम हमको मजबूत मिलेगी। उसके बाद आर्थिक जरूरत पड़ती है। अगर आपके विचार में दम है, आपके व्यक्तियों की टीम मजबूत है, तो कई सारे लोग अच्छे कामों को फंड करने के लिए बैठे ही। भगवान का स्वरूप लेके लोग आते हैं और आपका काम करके चले जाते हैं, उनको कुछ लेना देना भी नहीं होता। मैं एक पुराना प्रसंग आदरणीय दिनेश जी का याद कर रहा था, वो यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है, पर एक बहुत बड़ा विषय चिंता का विषय था। और उस समय जो आज के हमारे प्रधानमंत्री जी है, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक इशारा किया आदरणीय दिनेश जी को। दिनेश जी भगवान का स्वरूप लेके उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति का इतना बड़ा काम हुआ, समाज का काम था, व्यक्तिगत काम नहीं था, इनको कुछ लेना भी नहीं था। उसके बाद ये कभी वहां पे गए भी नहीं होंगे, पर भगवान कोई ना कोई स्वरूप लेके आता है और आपकी मदद करके चला जाता है। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान को आपको देना होता है। इसीलिए सोशल लीडरशिप ये सबसे ज्यादा जरूरी सेगमेंट है और सबसे बड़ा अगर कोई कैरियर ऑप्शन है। हम सेवा करने के काम में एक संकोच की अनुभूति करते हैं। हमको ये लगता है कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और हमारा घर कैसे चलेगा। अगर आप ताकत से वो काम करते हैं आप उसमें से मानदंड प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल उसका प्रोसेस करिए और जिस कंपनी में आप सीएसआर के लिए अप्रोच कर रहे हैं उनको बताइए कि मैं इंजीनियर हूँ या मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पर मुझे सेवा का ये काम करना है, ये काम करने के लिए मुझे 3 साल के लिए आर्थिक सपोर्ट की आवश्यकता है आपके सीएसआर से, इसके लिए मुझे आर्थिक सपोर्ट दीजिए। और कॉर्पोरेट्स में भी ऐसे लोग हैं जो आंखें बंद करके आपके सपोर्ट, आपके बॉस को, आपके कार्य को, आपके टास्क को सपोर्ट करने के लिए बैठे। सोशल लीडरशिप मेरी दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण स्कोप है आपकी पर्सनल लाइफ को पब्लिक लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए। सोशल लीडरशिप ये सबसे बड़ा सेगमेंट बन सकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। लास्ट जो मुद्दा मुझे कहना है, जिसके रेफरेंस में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है, वो है पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पब्लिक लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप उसमें 3 प्रकार की मेजर शाखाएं होती हैं। पहली शाखा होती है कि आप चुनाव लड़के नेता बन जाओ, शहरों में म्यूनिसिपल काउंसिलर बनते हैं, गांव में सरपंच, तालुका पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, नगर पालिका के सदस्य होते हैं। उसके बाद विधायक जो गुजरात में 182 है,
और उसके बाद सांसद, सांसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, ऐसे आप तीन प्रकार से एक इलेक्शन लड़के बन सकते हैं। दूसरा संगठन, संगठन में आप किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उस पार्टी की कोई जिम्मेदारी का आप वहन करें, उस संगठन के आधार पर चलने वाली राजनीति है। आजकल पिछले 10-15 सालों से एक तीसरा सेगमेंट बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो है आपकी एक्सपर्टाइज बेस्ड लीडरशिप। एक बहुत पॉपुलर नाम हुआ पूरे भारत में 2014 के बाद, वो था प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को ऐसा लगता था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया। तो प्रशांत किशोर की से प्रेरणा लेके बहुत सारे लोग ऐसी पॉलिटिकल सर्वे की एजेंसियां बनाने लगे, इलेक्शन मैनेजमेंट की छोटी छोटी एनजीओ बनती गई, कंपनीज बनती गई। ये सारा खेल डेटा का हुआ करता था। अगर आपके पास डेटा है, हाउ यू प्ले विद द डेटा, वो बहुत सारे परिणाम निश्चित करता था। तो ये एक्सपर्टाइज बेस्ड लीडरशिप, यानी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका संगठन से कोई लेना देना नहीं है, जिनका पब्लिक में इलेक्शन जीतने के लिए कोई जनाधार नहीं है, परंतु अपनी एक्सपर्टाइज से वो नेता बने। तो तीन प्रकार की ऐसी राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्रिएट करने की, डेवलप करने की संभावनाएं हैं। परंतु ये राजनीतिक क्षेत्र की संभावनाओं से या तो दूर रहना चाहिए, या अगर उसमें जाना है तो उसके बारे में सारी चीजों को सोच समझ के, उसके जो भी बिटर ट्रूथ है, जो भी इसके कड़वे सत्य है, उसको समझ के स्वीकार करके अंदर रहना चाहिए। राजनीति में कई सारे निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं, वो जब हम सब देखते हैं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है। मैं इसको समझाने के लिए एक बहुत पुराना उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ। आप सब ज्यादातर लोग जब पैदा नहीं हुए थे, उस समय एक वर्सेटाइल एक्टर हो गया, उसका नाम था राजकुमार। राजकुमार कश्मीरी पंडित थे और अपनी शर्तों पे काम करते थे, अपने डायलॉग खुद लिखते थे, अपने कपड़े खुद डिजाइन करते थे। राजकुमार राजा था, नाम राजकुमार था पर वो राजा था। राजकुमार, उनके पास गुजरात के डायरेक्टर एक मूवी का ऑफर लेके गए, उनका नाम था प्रकाश मेहरा। उन्होंने उनको जंजीर नाम की एक मूवी की स्टोरी सुनाई और राजकुमार ने मना कर दिया कि मैं ये मूवी नहीं करूंगा। फिर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन के पास गए, अमिताभ बच्चन की 7 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, उनको जंजीर मिली, जंजीर हिट हो गई, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हो गए। 20-25 साल बाद किसी पत्रकार की हिम्मत हुई, उन्होंने धीरे से राजकुमार को पूछने का प्रयास किया कि अमिताभ बच्चन इसी फिल्म से सुपरस्टार हो गए, आपने किया होता आप भी बहुत ज्यादा सक्सेस प्राप्त कर पाते, पर क्या रीजन क्या था, व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन व्हाई यू रिफ्यूज टू डू जंजीर विद प्रकाश मेहरा। उन्होंने कहा कि प्रकाश मेहरा जब मेरे घर पे स्टोरी सुनाने के लिए आए, उस समय उन्होंने सर के बालों में जो तेल डाल के रखा था उसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगी, सो मैंने मना कर दिया कि मैं तुम्हारी मूवी नहीं करूंगा। राजनीति में लिए जाने वाले ज्यादातर निर्णय प्रकाश मेहरा के सर के बाल के तेल की स्मेल के जितने लॉजिकल होते हैं, तो उसका अर्थ यह है कि राजनीति में लॉजिक ढूंढना मूर्खता है। किसी भी चीज में लॉजिक ना ढूंढना मूर्खता है, राजनीति में लॉजिक ढूंढना मूर्खता है। आप किस कलर का कुर्ता पहन के आए हैं उससे आपको टिकट मिल जाए, आप किस नेता के किस कलर के कुर्ते की कितनी अच्छी प्रशंसा कर सकते हैं उसके आधार पर आप संगठन के पदाधिकारी बन जाए, ऐसा सब कुछ हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए राजनीति से बड़ा अनप्रिडिक्टेबल कोई क्षेत्र नहीं है। मैंने बहुत कड़वी बात कही है, एट द एज ऑफ 43 आई हैव डेडिकेटेड मोर देन 34 इयर्स इन दिस फील्ड। एट द एज ऑफ 9 आई स्टार्टेड टू वर्क इन पॉलिटिक्स। 9 साल की एज में भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट के लिए मैं पोस्टर चिपकाने के लिए जाता था, हाथ जल जाते थे, उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए जाते थे। उस समय गेहूं का जो आटा होता था उसे पानी में डाल के उबाल के उसकी ये वर्णों लगा लो, हाथ ठीक हो जाएगी, क्योंकि कल फिर पोस्टर चिपकाने। और इसी तरह से पोस्टर चिपकाते हुए और मुझे मेरी पार्टी से कोई असंतोष नहीं,
मुझे मेरी पार्टी ने 27 साल की उम्र में विधायक का चुनाव लड़वाया था। मेरे पूरे परिवार में किसी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी मेरी पार्टी ने 27 साल की उम्र में मुझे एमएलए का टिकट दिया। ना जीत पाए वो मेरा नसीब है, पर पार्टी ने टिकट तो दिया। पार्टी ने मुझे वार्ड के मंत्री से लेके गुजरात के महामंत्री तक के दायित्व दिए हैं। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, पर कई सारे लोगों के साथ, कई सारे राजनीतिक पार्टियों में ऐसा होता है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। संगठन में आपके पास 3 साल की टर्म होती है, चलो 3 साल एक्सटेंड हो गया है, 6 साल के बाद क्या? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ऐसा एश्योरेंस है कि आप जब तक जिएंगे आप पार्टी की जिम्मेदारी में रहेंगे? अगर आप पार्टी की जिम्मेदारी में नहीं है आप क्या काम करेंगे? आपको आज काउंसिलर का टिकट दिया गया, आप जीत गए, उसके बाद दूसरे समय मान लीजिए नो रिपीट थियरी, 2005 में गुजरात में नो रिपीट थियरी आई थी, जो भी एग्जिस्टिंग काउंसिलर थे उनमें से किसी को टिकट ना देना ऐसा पॉलिसी डिसीजन हुआ, सबकी टिकट कट गई। अब हमने काउंसिलर बनने के बाद ये करेंगे वो करेंगे सोच के रखा था, घर बैठ गए, क्या हुआ? और उसके बाद क्या करेंगे? राजनीति, इसको हम जब जब प्रोफेशन मान के चलते हैं, राजनीति में से घर चलाने की बात सोच के चलते हैं, राजनीति से कुछ नहीं होता। राजनीति को अगर हम पैशन मान के चलते हैं, राजनीति है सुबह 10 से शाम के 6 वाला काम नहीं है, राजनीति है 24/7 = 365 ये वाला काम, 365 दिन 24 घंटे वीक के 7 दिन अगर हम पूरा समय पब्लिक के लिए समर्पित हैं तभी राजनीति हो सकती है, उसमें भी उस राजनीति के आधार पे नहीं रहा जा सकता। हम सभी मनुष्य, मनुष्य होने के कारण हम सब एक फीलिंग, एक इमोशन वाला जो हमारा क्वांटम होता है वो हमें डिस्टर्ब भी करता है, वही हमें खुशी भी देता है। राजनीति में कई बार क्या होता है मैं उसका कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मैं स्पष्ट रूप में मैं ये उदाहरण देते वक्त ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपको राजनीति के लिए नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको राजनीति के लिए नेगेटिव भी कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति का जो वैभव हम बाहर से देखते हैं वो वैभव देखते अगर राजनीति में जाना है तो नहीं जाना चाहिए। अगर राजनीति सेवा करने के लिए करनी है और घर उसमें से नहीं चलाना है, एक विदेश के कोई मेहमान आए थे और हमारे सांसदों के साथ उनकी बैठक थी, उन्होंने हमारे सांसदों को पूछा कि व्हाट डू यू डू, हमारे सांसद ने बोला कि आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोला यस बट व्हाट डू यू डू, तो बोला आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोला यस यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू सर्व द पीपल बट व्हाट डू यू डू टू रन योर होम टू मीट योर एक्सपेंसेस, तो उन्होंने नहीं आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोला ये कैसे संभव है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप होंगे घर कैसे चलेगा? अब उनको तो पता ही नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो 2-3-4 मीटिंग तक तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती भारत में। स्वीकृत नहीं है और हमारे लिए इसकी स्वीकृति इतनी मजबूत बन गई है कि जैसे ही कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए होता है अगर कहीं पर नौकरी कर देता है तो गौरवपूर्वक रिजाइन कर देता है। कई बार कई सारे लोग ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि मेरा जो एमएलए का सैलरी होगा वो सैलरी मैं कन्या केडम्बी के लिए डोनेट करता हूं। भाई तेरा घर कैसे चलेगा? अगर तू फुल टाइम एमएलए का काम करने वाला है तो एमएलए का सैलरी को घर ले जाना पड़ेगा ना। मैं प्रयास कर रहा था, अभी जो इलेक्शन हुआ उसके लिए मैं प्रयास कर रहा था कि मुझे टिकट मिले, तो उसके 6 महीने पहले मुझे मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोचना पड़ा कि अगर मैं एमएलए बन गया और मैं भारत सरकार का जो काम कर रहा हूँ वो काम में से मैं मुक्त हो गया, भारत सरकार मुझे 89,000 रुपए पर महीना देती, एमएलए का सैलरी 1,31,000 रुपए है, तो 1,31,000 में से मुझे ऑफिस चलाना होगा, उसका खर्चा क्या होगा, ऑफिस का जो स्टाफ होगा, प्रवास का खर्चा जो होगा, ये सब करते करते 89 की जगह मेरे पास 71 आ रहे थे, तो 72,000 के तो मेरे इंस्टॉलमेंट चल रहे थे, तो मुझे टेंशन हो रहा था कि एमएलए बन गया तो प्रॉब्लम होगा, और भगवान ने शायद सुन लिया तो टिकट ही नहीं मिला। पर मैं तो कहने का प्रयास कर रहा हूं वो ये है कि राजनीति में से घर चलाना ये भारत की संस्कृति नहीं हो सकती और ये सच्ची राजनीति नहीं हो सकती। हमें प्रजा के लिए कुछ करना है तो हमारा प्लान भी तो कुछ होना चाहिए, हमारा सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर प्योर, जिसको हम शो कर सके, जिसका 31 मार्च से पहले हम टैक्स भर सके, ऐसा कुछ तो होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे वहां से लुप्त होता जा रहा है। और आप में से भी कोई व्यक्ति अगर विधायक या सांसद बनके अपनी आने वाली 2-3 पीढ़ी की चिंता दूर
दूर करना चाहते हैं तो कम से कम ये मत सोचिएगा, ऐसा आप सबसे मेरा निवेदन। राजनीति के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो लीडर होता है पॉलिटिकल लीडर, उसके लिए किसी अंग्रेज ने लिख दिया कि अ लीडर इज अ डीलर इन होप, यानी डीलर तो व्यापार करता है। तो लीडर ये नहीं होता जो आशाओं का व्यापार करता है, लीडर ये होता है जो आशाओं का संचार करता है। पब्लिक लीडरशिप उसमें, और उसमें भी पॉलिटिकल लीडरशिप, उसमें आप आशाओं का संचार कितना कर पाते हैं वो आपका धर्म होना चाहिए। और पॉलिटिकल लीडरशिप में क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं उसके बारे में दो मुद्दे में आपको बताना चाहता हूं। एक, हमारा ध्येय सेवा का होना चाहिए। दूसरा, कहीं ना कहीं जो सरकार की अलग अलग योजनाएं, सरकार किसी भी पार्टी की बने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी भी पक्ष से हो, पर जो सरकार की योजनाएं बनती है ये योजनाएं तो प्रजा के हित के लिए बनती है। 2018 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी हुआ करते थे, उस समय हमने एक कंसेप्ट डेवलप किया था, उस कंसेप्ट का नाम था गुजरात राज्य युवक बोर्ड। ये गुजरात राज्य युवक बोर्ड के माध्यम से गुजरात के 251 तहसील में और गुजरात की 161 नगर पालिकाओं में हमने एक एक दो दो तीन तीन संयोजक को अपॉइंट किया था। उन संयोजकों के तीन काम थे। एक, सबसे पहला हर गांव में हर वार्ड में जाना, वहां जाके 21 सदस्यों का स्वामी विवेकानंद युवा केंद्र बनाना, वो बन जाएगा। उसके बाद सरकार की जितनी योजनाएं, केंद्र सरकार की प्रदेश सरकार की, उस योजनाओं का अभ्यास करके उसका इम्प्लीमेंटेशन उस 21 सदस्यों के द्वारा करना, उस 21 सदस्यों के द्वारा उसका इम्प्लीमेंटेशन कराते हुए लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना। योजनाएं बनती है किसी एसी ऑफिस में बैठ के, बनाने वाले को पता नहीं होता कि भूमिगत वास्तविकता क्या है, और भूमिगत वास्तविकता को जानने वाले 21 सदस्य अपने गाँव में उस योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करें। दूसरा, ग्राउंड पे क्या चल रहा है उसका सच्चा रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाना। सरकार में बैठे हुए लोग किसी भी पक्ष के हो, सब सम्मानीय है, पर वो सुनना वही चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, वो सुनना नहीं चाहते जो वो सुनना नहीं चाहते। जो सुनना अच्छा ना लगे वो सुनना, ये उनका स्वभाव नहीं रहता, और फिर अहो रूपम अहो ध्वनि यही चलता रहता है। इसीलिए जो भूमि पे सच्ची बात चल रही है वो सरकार तक पहुंचाना, और युवाओं को अलग अलग सकारात्मक रचनात्मक प्रवृत्तियों की तरफ मोड़ना, डाइवर्ट करना। ये काम हमने 3 साल किया, फिर कुछ समय वो बंद रहा, अभी वापस वो काम शुरू हुआ है, और मुझे विश्वास है कि वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। पर आप अपने एरिया में कोई एक एरिया एडप्ट करके, कोई एक तहसील एडप्ट करके, कोई एक नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी एडप्ट करके, वहां पे छोटे छोटे युवा केंद्र बना के ये प्रवृत्ति कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो प्रवृत्ति होगी वो आपको रात को नींद अच्छी नहीं देगी। किसी के लिए कुछ करते हैं, आपके कारण किसी का कुछ भला होता है, किसी विधवा का पेंशन बन गया, किसी वयस्क व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन मिल गया, उससे आपको रात को नींद अच्छी आएगी। क्योंकि राजनीति में आशा बनती है, फिर वो आशा निराशा में कई बार परिवर्तित होती है, और वो निराशा आपको अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि हम एक इमोशनल व्यक्तित्व है। एक बहुत पॉपुलर सिंड्रोम है साइकोलॉजी के, अगर कोई स्टूडेंट होंगे उन्होंने ये पढ़ा होगा, ये शब्द के बारे में बात करके मैं मेरी बात पूर्ण करूंगा। साइकोलॉजी का एक शब्द है वेटिंग फॉर सांता क्लॉज सिंड्रोम। अभी अभी क्रिसमस गया, जो क्रिसमस होता है उसमें सांता क्लॉज हर घर पे जाते हैं, हर घर में जाके बच्चों को छोटी छोटी गिफ्ट देते हैं। अब सांता क्लॉज जो है वो भी, जो बड़े बड़े घर होते हैं जहाँ पे कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती वहां पे ही जाते हैं, जो छोटे घर होते हैं, जो गरीब घर होते हैं, वो सांता क्लॉज भी भूल जाते हैं। तो जो गरीब घर का बच्चा होता है वो नाताल के अगले दिन 24 दिसंबर को उसको क्रिसमस ईव कहा जाता है, तो क्रिसमस ईव पे नहा धो के अच्छे वाले कपड़े पहन के घर के बाहर बैठता है। वो सोचता है कि सांता क्लॉज आएंगे और मुझे कुछ दे के जाएंगे। क्रिसमस ईव चली जाती है, वो सोचता है कि क्रिसमस के दिन तो आएंगे ही आएंगे। फिर क्रिसमस चली जाती है, फिर क्रिसमस में उनको लगता है कि क्रिसमस इतना बड़ा त्यौहार, हो सकता है सांता क्लॉज बिजी होंगे, कोई बात नहीं, अभी 26 से लेके 1 तारीख न्यू ईयर इतना टाइम तो है ना। वो रोज सुबह नहा धो के बैठता है, रात को निराश होकर सो जाता है। 1 जनवरी चली जाती है, 2 जनवरी को जब वो बच्चा उठता है, निराश तो होता है
और उसको लगता ये है कि कोई बात नहीं, यानी रहा होगा कोई रीजन रहा होगा कि ये 8 दिनों में सांता क्लॉज मेरे पास नहीं आ सके, अगले क्रिसमस ईव पे यानी आज से 356 दिन बाद सांता क्लॉज जरूर मेरे पास आएंगे और आके मुझे कुछ देंगे। फिर वो प्रतीक्षा शुरू होती है अगले 356 दिन की, फिर क्रिसमस ईव आती है, फिर क्रिसमस आता है, फिर न्यू ईयर के 7 दिन आते हैं 2 जनवरी को, फिर तीसरे 356 दिन की प्रतीक्षा शुरू होती है। राजनीति में भी 2020 का संगठन बना, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, कोई बात नहीं, संगठन तो 3 साल का होता है, 2023 में आएगा तब मेरी बारी आएगी। 26 की प्रतीक्षा, 29 की प्रतीक्षा, 32 की प्रतीक्षा, 2022 की विधानसभा नहीं कोई बात नहीं, 27 में तो होगा ही होगा, 19 की लोकसभा कोई बात नहीं, 24 में तो मिलेगी ही मिलेगी। ये टिकट की प्रतीक्षा, ये पोजीशंस की प्रतीक्षा, ये व्यक्ति को अंदर से तोड़ देती है। जब किसी आशा का जन्म होता है और वो आशा निराशा में परिवर्तित होती है, ऐसे समय पे हम अंदर से टूटते हैं। और इसलिए अगर राजनीति में अपना करियर बनाना है, स्पष्ट कर लीजिए कि मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, कोई टिकट नहीं मिलेगी, फिर भी मैं काम करने को तैयार हूं। अगर ये बात सीखता है तो राजनीति में जाओ, नहीं तो वेटिंग फॉर सांता क्लॉज सिंड्रोम, डे 1, डे 2, डे 7, डे 8, डे 356, 365 यही चलता रहता है और ये निराशा आपको अंदर से तोड़ देती है। इसीलिए सबसे कम महत्व अगर मैं किसी पब्लिक लीडरशिप को देता हूं तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, और सबसे ज्यादा महत्व अगर मैं किसी कैरियर ऑप्शन को देता हूं तो वो सोशल लीडरशिप है। आप सभी सोशल लीडरशिप के माध्यम से पॉलिटिक्स करेंगे चलिए, पर आपका आधार सोशल लीडरशिप होना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप मीन्स टू लीड, लीडरशिप मीन्स टू इंस्पायर, लीडरशिप मीन्स टू सर्व, लीडरशिप मीन्स टू सपोर्ट। The scope is, career option is social leadership. Try to concentrate on social leadership. ताकि जो भी है वो आती रहे जाती रहे, उसके ऊपर उतना आधारित मत हो जाइए कि आप निराशा की गर्ता में चले जाए, वेटिंग फॉर सांता क्लॉज सिंड्रोम आप तो तोड़ दे, ये स्थिति में आप ना आए। इसीलिए कुछ कड़वी बातें पर वो वास्तविक बातें हैं, जीवन के अनुभव के आधार पे आपसे शेयर करने का प्रयास किया है, क्योंकि आशा रखने के समय फिर वो राजकुमार, फिर वो प्रकाश पहरा, फिर उसके सिर के बाल के तेज में उतने उसके अंदर लॉजिक ढूंढना, ये स्थिति में आप ना जाए, यही आपसे शेयर करना। देखो सर, आपने कहा कि मैं नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि जो प्रेरित करे, तो सच में आपने सोशल लीडरशिप के लिए बहुत अच्छी तरह से हम सबको प्रेरित किया है, और हमें आपने जो कहा उससे बहुत कुछ सीखे, लेकिन जो आपने नहीं कहा आपने दिखाया उससे भी हम सीखे। हम देखा कि मैंने कैसे सर ने अपने श्रोताओं को पूर्ण तरह से न्याय देना, उसके लिए प्रिपरेशन करके आना, समय सर अपनी बात को रखना, वर्क करके आना, और इच्छा से स्वीकार करना उस बात का कि मैं वहाँ मैं देख के आपको समझाऊंगा, तो वो चीज़ भी आपने सीखने जैसी है सर, आदरणीय है। और अभी आप लोग सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि जिसको भी कोई जिज्ञासा हो, कुछ क्वेश्चन सब विषय से संबंधित क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप पूछिए, हमारे सभा संचालक सत्र संचालक अक्षय मंडल सर और प्रसाद किशोर भी इस चीज पे काफी जोर दिया था कि लेटरल हायरिंग एक्सपर्ट बेसिस पर लीडरशिप को जनरेट करना चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि हम अभी तक उस दिशा में कोई सिग्निफिकेंट स्टेप्स नहीं ले पाए हैं कि जिसमें हम लेटरल हायरिंग को और ज़्यादा भारत की जो समाज और समाज व्यवस्था, भारत की जो गवर्नेंस की व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एक मजबूत पकड़ है। गुजराती में एक वर्ड होता है नाग चूड़ पकड़, नागचूड़ पकड़, यानी नाग जब किसी चीज को पकड़ता है वो इतना रोल करके उसको इतना फिक्स कर देता है कि उसमें से बाहर जाना उस वस्तु के लिए संभव नहीं होता। लेटरल एंट्री जो है, लेटरल हायरिंग जो है, उसमें आज की ब्यूरोक्रेसी को अपने लिए कोई कॉम्पिटिशन क्रिएट होती दिख रही है, इसीलिए एक्सपर्टाइज बेस्ड लेटरल हायरिंग या लेटरल एंट्री को वो सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते। फिर भी अपर लेवल पे वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मेरे साथ मेरे स्कूल में पास वाले बेंच पे बैठने वाला मेरा एक दोस्त, उसको वर्ल्ड बैंक से मोदी जी लाए हैं भारत, और वो अभी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का वो मेंबर सेक्रेटरी है।
ऐसे 16 लोगों को मैं जानता हूँ और मैं मेरे काम से जब भी दिल्ली जाता हूँ तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सबको मैं डिनर के लिए बुलाता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंस विद ब्यूरोक्रेट्स कि जो ब्यूरोक्रेट्स की दुकान बंद हो जाएगी ऐसा उनको लगता है। अभी मात्रा डिसाइड हुई है कि पूरी सिस्टम में 10% से ज़्यादा लेटर एंट्री ना हो, अभी 3% हुई है, पर वो रेजिस्टेंस जो है वो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से ज़्यादा है, इसलिए इसमें इतना डिले हो रहा है। गुजरात में जूनागढ़ के प्रसिद्ध संतों में नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता का एक बहुत पॉपुलर सेंटेंस हुआ करता था, एक और बात ये है, जब 2007 में मुझे टिकट मिला तो कई सारे लोगों को नहीं मिला होगा, उनकी मनोस्थिति क्या होगी, तो उनकी मनोस्थिति को उस समय अगर मैंने समझने का प्रयास किया होगा तो ये चीज मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर पाई। ऐसा अगर मैं बोलूंगा तो मुझसे बड़ा हिपोक्रेट कोई और नहीं होगा। अकेले में रोने की बहुत इच्छा हो रही थी पर अकेले को रोना आया नहीं। और केवल सच में बहुत अच्छा, यानी एज ए मेयर भी उसने बहुत अच्छा काम किया है और मेरा विश्वास है कि एज ए विधायक भी वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो मेरा नहीं हो तो कोई बात नहीं, किसी अच्छे व्यक्ति का ही हुआ है, उसका संतोष मैंने प्राप्त किया और प्रयास चालू रख दिया, यानी सिविटिंग को सत्ता को सिंड्रोम माना है। धन्यवाद सकते हैं। इस संदर्भ में होता क्या है, व्यक्ति जब